विद्या रेखाओं के बारे में, जो हमारे हाथों में मध्यमा अंगुली और कनिष्ठ अंगुली अनामिका अंगुली के बीच में जो क्षेत्र होती है सूर्य क्षेत्र, सूर्य क्षेत्र से जो खड़ी रेखाएं होती है पाई जाती है, जो खड़ी रेखाएं उसको हम विद्या रेखा कहते हैं। जिन व्यक्ति का हाथों में ऐसी रेखाएं पाई जाती है सीधी स्पष्ट और गहरी, जो रेखाएं हमारा हृदय रेखा को काटती है या पार करती है, अगर किसी व्यक्ति का निर्धन घर में जन्म होकर ऐसी रेखाएं देखने को मिलती है तो ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ विद्या उपार्जित करती है और सफल भी होती है। क्यों गरीबी कितनी तकलीफ क्यों ना दे, ऐसी रेखा हर व्यक्ति के हाथों में नहीं पाई जाती, क्योंकि धन देने वाला लक्ष्मी हर घर में हो सकती है, लेकिन विद्या देने वाले जो सरस्वती हर घर में नहीं रहती है, क्योंकि विद्या उपार्जित करने के लिए बहुत सहनशीलता की ज़रूरत होती है। हर व्यक्ति का मन में इतना सहनशीलता नहीं रहती, इतना धैर्य नहीं रहती है, लेकिन कोई व्यक्ति का मंगल की दूसरी पर्व पर भी पहुंच जाती है ऐसी सूर्य रेखा, जो विद्या रेखा कहते हैं। अगर जिस व्यक्ति का हाथों में जितनी ही रेखाएं होगी उतनी ही भाई बहन का सूचक होती है, और रेखाएं जितनी गहरी स्पष्ट और निर्दोष हो उतना ही भाई बहन का सूचित करती है। अगर कोई विद्या रेखा को एक आड़ी रेखाओं से काटती है कोई रेखा को, तो भाई बहन का शास्त्र में गिरावट आने का सूचक होती है। ऐसा रेखाएं किसी का हो, अगर पतली रेखाएं ज़्यादा हो तो उसका बहन की संख्याएं ज़्यादा होती है, अगर गहरी रेखाएं ज़्यादा हो तो उसका भाई का होने का संकेत होती है। अगर आड़ी रेखा ज़्यादा रेखा को काटती है कोई एक रेखा को, तो उसको कोई भाई बहन का विपद या हानि का संकेत सूचक होती है। तो दोस्तों, आज वीडियो में विद्या रेखा के बारे में हम चर्चा किए, अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार।